दोस्तों, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका फ्रेंड या आपका कोई क्लाइंट प्रॉब्लम में है, मतलब कुछ पॉइंट अगर आप उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको रिमोट लेकर के आप उसका काम कर सकते हो या आप उसको समझा सकते हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे लैंड नेटवर्क पे हम लोग रिमोट लेते हैं और रिमोट से ही हम उनका कैसे काम कर देंगे। सपोज करो आप किसी दूसरे फ्लोर पर हो या आप कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हो। हम ऑफलाइन मोड की बात कर रहे हैं ना कि ऑनलाइन। हम ऑनलाइन भी आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग रिमोट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको नेटवर्क सेटअप करना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि हम लोग लैंड नेटवर्क पे कैसे रिमोट ले लेंगे और जिससे हमारे क्लाइंट को फायदा हो सके और उठना न पड़े, वो किसी दूसरे रूम में बैठा हुआ है या दूसरे फ्लोर पर बैठा हुआ है, तो हम उसी अपनी जगह बैठे हुए उसकी समस्या का सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी होगी, जिससे आपको पूरा लैंड नेटवर्क सेटअप करना होगा और लैंड नेटवर्क सेटअप करने के बाद आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। बड़ा मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाती है ताकि हम लोग अच्छे अच्छे और वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग रिमोट लेते हैं। दोस्तों, आप हमारे एक पीसी पे देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी आईपी जो है वह 192.168.1.12 है, यहाँ पे 192.168.13 है। अब हम क्या काम करेंगे, जिस भी सिस्टम में से हमें लेना है, चलिए मैं 12 वाले का ही रिमोट ले लेता हूँ। इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, दोस्तों जब हम रिमोट ले लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से, जिसका रिमोट ले रहते हैं इस प्रकार से दिखता है, जबकि जिसमें हम जिस लैपटॉप पे रिमोट लिए रहते हैं कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले दिखता है। आपको अगर आपको अपना ओन स्क्रीन दिखना है तो इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, आपको अपना स्क्रीन दिखने लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, चलिए तो आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, सिंपल से आपको रन कमांड पे जाना है और टाइप करना है MSTSC, ये रिमोट लेने का शॉर्टकट तरीका है। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगले पीसी का यहाँ पे हम आईपी एंटर करेंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद उस पीसी का या यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, तो मैं यूजर नेम दे देता हूँ और पासवर्ड, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे यस का ऑप्शन दे रहा है, यस करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिमोट जो है आ गया है। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, अगले पीसी के लैपटॉप पे, अगले लैपटॉप पे, अगले पीसी पे हम एक फोल्डर बना देते हैं किसी नाम से, सचिन नाम से बना देता हूँ, और हम चल के देखते हैं कि उस पीसी पे हमारा ये फोल्डर बना है कि नहीं बना है। अगले स्क्रीन पे ये इस प्रकार से फोल्डर बन गया है, जबकि मैंने रिमोट लेकर के बनाया था। अब इसके अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का उनका डेटा, उनके डेटा पर, उनके फाइल पर आप काम कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जब आपको रिमोट को क्लोज करना हो तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं, यहाँ से आप क्लोज कर देंगे और आपका रिमोट जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यस करने का, अब जैसे यस करेंगे खत्म हो जाएगा।